हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम कुक। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज कलावटी कबाब। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए 1.5 कड़ी लहसुन, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा अदरक का घिसा हुआ, नमक, 4 लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 2 कप मसूर की दाल और 1 कप चने की दाल जिसे मैंने 4 घंटे के लिए सोक किया है, 5 कटे हुए प्याज। तो अब एक मिक्सी के जार में हम जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लाल मिर्च डालेंगे और इसे हल्का पीसेंगे। हमें बहुत महीन नहीं करना है। ये देखिए, अब एक कुकर में हम करीब 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे, 1 गरम होने पे हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे और इसमें अपना पिसा हुआ मसाला डालेंगे और इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे और इसको करीब 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और इसको मसाले के साथ भूनेंगे। देखिए, हमारे प्याज अब पक गए हैं। अब हम इसमें अपनी सोक की हुई दाल डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। आप इसे 10 मिनट के लिए ढक दीजिए और बीच बीच में चलाते रहिए। हमें दाल को मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। दाल भून जाने पे हम इसमें पानी डालेंगे। हम करीब 1 लीटर पानी डाल रहे हैं इसमें। आपको ध्यान रखना है कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ना हो, बस इतना हो कि हमारी दाल अच्छे से कवर हो जाए। अब हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको मिला लेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा के हम इसे 3 सीटी आने तक इंतजार करेंगे। देखिए, हमारी दाल अब पक गई है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक मैशर से इसको अच्छे से मैश करेंगे। मैश हो जाने पे हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने पे हम इसमें चॉप किए हुए प्याज अदरक और लाल मिर्च डालेंगे या आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे मिला सकते हैं, आप चाहें तो इसे ना भी मिलाएं। अब इसको हम अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी कबाब टिक्की बना लेंगे।
आप कबाब बना के साइड में रख सकते हैं। अब एक पैन में हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और इसमें अपने कबाब को रखेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो आप इनको बहुत ही हल्के हाथों से हैंडल करिएगा। हमें कबाब को दोनों साइड से पकाना है एकदम लो फ्लेम पे। तो देखिए, हमारे गर्मा गर्म कबाब रेडी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।